नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय स्कूल क्रमांक 104 से आज के लर्निंग ताशिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी गणित भाग एक प्रकरण क्रमांक 2 वर्ग समीकरण इसके आज हम हल सीखेंगे। वर्ग समीकरण के हल कौन से और कैसे होते हैं इस टॉपिक में हम सीखेंगे। देखते हैं वर्ग समीकरण के हल उदाहरण के तौर पर। उदाहरण क्रमांक एक, वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इस समीकरण का मूल है क्या निश्चित कीजिए। तो हमको यहाँ पे एक वर्ग समीकरण दिया है, इस तरह के वर्ग समीकरण हमको दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5=0 और इसके आगे x का मान दिया है x बराबर 1 और माइनस 1। तो इस दो मान के लिए ये वर्ग समीकरण है क्या नहीं हमको निश्चित करना है। तो हम लोग जो भी चरांक का मान दिया है इस वर्ग समीकरण में डालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आने पर ये जो मान है ये मान हल होता है या मूल होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ समीकरण जो वर्ग समीकरण दिया है वो यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5=0। अभी इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है मतलब और x बराबर 1 रखना है। तो यहाँ पे हम बाया पक्ष लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5 और इसमें x का मान डालेंगे। यहाँ पे जहाँ पे भी x यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम x का मान डालेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1-5। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 × 1 4-5। अभी इसको जोड़ करो 1 प्लस 4 5 और माइनस 5, 5 में से 5 घटा दो हो जाएगा 0। तो हम लोग ने बाया पक्ष लेकर बाया पक्ष का मान हमने निकाला 0 और दाया पक्ष ऑलरेडी यहाँ पे 0 दिया है। ओके, तो ये दोनों समान हैं बाया पक्ष और दाया पक्ष। इसके लिए x बराबर 1 यह एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5=0 इस समीकरण का मूल है। तो इसी तरह से ये मूल है या नहीं हम लोग कैसे बता सकते हैं, वो जो मान है दिया चरांक का वो रखने पर। दोनों भुजाएं समान आएंगे तभी वो मूल होता है वर्ग समीकरण का। तो ये अभी हम लोग x बराबर -1 रखेंगे। तो दिया हुआ समीकरण हम लिखेंगे इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5=0। अभी हमको x बराबर -1 रखना है। तो बाया पक्ष हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x-5, इसमें हम लोग -1 अभी रखेंगे। -1 स्क्वायर प्लस 4 × -1 और -5। अभी -1 का स्क्वायर करने पर प्लस 1 ही आता है तो 1। अभी ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस ही माइनस हो जाएगा, 4 × 1 4 और ये -5। अभी 1 में से 4 घटा दो, नहीं घटता है तो 4 में से 1 घटाने का और बड़े नंबर का साइन देने का माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और ये -5। अभी यहाँ पे दोनों संख्याओं को माइनस है तो माइनस देके इसका जोड़ करने का, समान चिन्ह रहेगा तो जो चिन्ह है वो दे देने का और जोड़ करने का। तो यहाँ पे माइनस साइन है इसके लिए माइनस दे दो और जोड़ करो -8। तो हमको बाया पक्ष मिला यहाँ पर
माइनस आठ एक्स बराबर माइनस वन रखने पर, और दाया पक्ष जो है ये जीरो है, इसके लिए बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों इक्वल नहीं है, समान नहीं है। इसके लिए एक्स बराबर माइनस वन यह एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इस वर्ग समीकरण का हल नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहेगा कि दिए हुए समीकरण का जो हल हमको बताना है या नहीं, तो जो भी मान चरांक का दिया रहेगा वो रखने पर हमको बाया पक्ष और दाया पक्ष समान आना चाहिए, नहीं आया तो वो हल नहीं है, आया तो है। तो इसी तरह से दूसरा एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे भी हमको m का मान दिया है दो और पाँच बटे दो। तो पहला मान हम m का हम यहाँ पे रखेंगे इस समीकरण में, तो पहले हम दिया हुआ समीकरण लिख देते हैं, टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे m बराबर दो रखने पर हम बाया पक्ष लेते हैं, टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम, अभी m के जगह पर आप दो रखेंगे, टू ब्रैकेट में टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू, टू ऐसा ये रख दो, फोर का स्क्वायर करो, टू का स्क्वायर करो फोर। ओके, अरे माइनस फाइव इंटू टू ऐसा ही रखो, अभी इसका दोनों का गुना करो एट हो जाएगा, अरे माइनस साइन ऐसा रखो इसका गुना करो दस हो जाएगा, दस में से दो घटा दो और बड़े नंबर का साइन दे दो, माइनस दो आएगा। बाया पक्ष दो आया और दाया पक्ष यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, तो ये दोनों असमान है, मतलब बाया पक्ष इज नॉट इक्वल टू दाया पक्ष। इसके लिए m बराबर दो यह टू एम स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इस वर्ग समीकरण का हल नहीं है। अभी हम लोग x दिया हुआ समीकरण वर्ग समीकरण जो है वो लिखेंगे, टू एम स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमको m का मान फाइव बटे दो रखना है, बाया पक्ष हमने लिया टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम, टू ब्रैकेट में फाइव बटे टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू फाइव बटे टू, अभी इसका स्क्वायर करो, टू इंटू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, टू का स्क्वायर फोर माइनस फाइव इंटू फाइव बटे टू ऐसा ही। अभी दो से इसको फोर को भाग दो तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव बटे टू माइनस फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव बटे टू, अभी ट्वेंटी फाइव बटे टू माइनस ट्वेंटी फाइव बटे टू ये ज़ीरो हो जाएगा, तो बाया पक्ष हमारा ज़ीरो आया, दाया पक्ष ऑलरेडी ज़ीरो है, तो बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों समान है। इसके लिए m बराबर फाइव बटे टू यह टू एम स्क्वायर माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो इस वर्ग समीकरण का हल है। तो इस तरह से हमने दिए हुए समीकरण का हल है या नहीं, जो भी चरांक का मान दिया है ये हमने पढ़ा है, आपको ये समझ में आया रहेगा। और एक उदाहरण लेते हैं, यदि x बराबर तीन यह के एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो इस समीकरण का एक मूल है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, यहाँ पे हमको मूल दिया है, एक मूल दिया है और वर्ग समीकरण दिया, इसमें ये k दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा, तो ये k का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो भी समीकरण हमको दिया वो लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो ये समीकरण दिया, अभी इस समीकरण में x का मान थ्री रखेंगे, तो x बराबर थ्री रखने पर k गुने एक्स का मान तीन है, तीन का स्क्वायर माइनस दस इंटू ये तीन प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, के तीन का स्क्वायर नौ माइनस दस इंटू थ्री इक्वल टू थर्टी प्लस थ्री, अभी नौ से k को गुना करेंगे तो नौ के माइनस तीस में से तीन गया तो सत्ताईस, बड़े नंबर का साइन माइनस नौ के माइनस सत्ताईस बराबर ज़ीरो, अभी ये सत्ताईस को ट्रांसफ़र कर दो ये प्लस हो जाएगा तो नाइन के बराबर सत्ताईस, अभी ये के इसके बट के
का मान हमको निकलना है, तो ये जो 9 है ये 27 के बटे में जाने दो, तो k बराबर 27 बटे 9, 9 से इसको भाग दे दो तो 9 त्रिक 27, तो k का मान हमारा आया 3। तो इस तरह से समीकरण का एक मूल दिया रहेगा और समीकरण दिया रहेगा, तो k का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह से दूसरा भी एक उदाहरण हम लोग करेंगे, उदाहरण 3। यदि m बराबर 3, यह 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इस समीकरण का एक मूल -7/5 हो, तो k का मान ज्ञात करने के लिए निम्न कृति पूर्ण कीजिए। तो एक कृति के स्वरूप में उदाहरण दिया है, तो यहाँ पे 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल, इसमें ब्रैकेट दिया है, तो यहाँ पे मूल हमको दिया है, तो यहाँ पे कितना आएगा -7/5। दूसरा m बराबर, मतलब यही एक मूल, मतलब m बराबर यही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा -7/5। उपरोक्त समीकरण में रखने पर अभी इसमें रखेंगे हम 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0, जहाँ पर m है यहाँ पर -7/5 डालेंगे, तो 5 इंटू यहाँ पर आएगा -7/5² माइनस 2 इंटू यहाँ पे भी आएगा -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर करो तो ये स्क्वायर आ जाएगा 49/25, और 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो मतलब 49/5 यहाँ पर आएगा, प्लस 2 इंटू -7/5, तो इसका ये हो जाएगा 2 × 7 14 हो गया, 14/5 प्लस k इक्वल टू 0। अभी ये दोनों का माइनस करना है, तो यहाँ पे आया था -49/5 और यहाँ पे 14/5, तो दोनों का यहाँ पे हम लोग जोड़ करेंगे, तो यहाँ पे जोड़ कितना आएगा 35/5 प्लस k इक्वल टू 0, तो k बराबर 5 से 35 को भाग देंगे तो 7, और ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा -7। तो इसी तरह से ये भी उदाहरण हमको करना है, कृति के स्वरूप में दिया था, ऐसे ही कुछ उदाहरण मैंने आपको इधर हल करने के लिए दिए हैं, वो आप हल कीजिए जो भी उदाहरण दिए हैं। धन्यवाद।